ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਗੜੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इलाज किया जा रहा। तो डॉक्टर का कहना है कि इस वक्त सारे मैंबर खतरे तो बाहर आए हैं, लेकिन वड्डी गल हैगी है कि परिवारक दे विच ये भाणा किवें वतरिया आओ दस रहे हां। मेरा नाम नरेश कुमारी है, पिंड बागड़े जिला गुरदासपुर है। कल कुछ ने साढ़े के 11-11 बजे ने चाह बनाई है मेरी छोटी सिस्टर ने, मेरी दरानी है। तो डेली रूटीन से चाह पी के तो जिदा अपने काम काज करी दे अपने अपने रूम च बढ़ जाने, गर्मी बहुत है तो डैडी अपने रूम च सारे ही अपने बच्चे लगे अपने अपने रूम च। तो पता नहीं थोड़ी देर बाद इस तरह जिदा ना नींद का झोंका जहा नहीं आ जाता कि सो जाइए हम थोड़ी देर रैसट कर लिए। तो काम तो बथेरे पर मैं क्या चलो कर लें रैसट, और ऐसी रैसट की कि पता ही नहीं लगा नींद का कि टाइम का ही नहीं पता चलिया कि किन्ना हो गया किन्ना नहीं। दोपहर की रोटी की शिफ्ट मेरी होंगी, मैं उठी नहीं अपने टाइम तो मैं पता ही नहीं चलिया उठना। फिर शामा पै गया, शामा नू आके हसबेंड हुणी आए मार्केट तो दुकान तो, उन्होंने आके उठाया सानू कि सानू कोई होश नहीं हैगा कि कितने पे हैं कितने नहीं। बच्चों ने भी नहीं सानू उठा लिया कि मम्मा उठो, कोई कुछ नहीं आया। मैं तो किसी ने नहीं देखा क्योंकि जो घर का कोई जी बाहर जाता तो ही लॉक कर देने गेट न। तो एक डैडी भी घर ही गए इस करके गेट जे ओपन, क्योंकि डैडी खेतीबाड़ी वाले या पैली वाली साइड भी गेड़ा मारने पैंदा उन्होंने, फिर उन्होंने भी थोड़ा डिपेंड होंगे अस कि चलो घर च ही है कोई ना, ये चीज़ हो जाती है। बाकी समान हाँ जी कहते हैं कि छोटी छोटी दे गहने हैं थोड़े 5 तोले सोना, तो 80,000 की नकदी पेगी। अक्सर मार्केट दुकाना है ना साडिया अपन, कैश कई वेले रखने पैंता घर, तो उधरों होगी चोरी। हम ये खवा का तो कोई चांस है ही नहीं, जो कोई खवा तो बंदा सानू दिखता आता घर। तो हूँ पता नहीं नैचुरली जा स्प्रे हो गई है जा की बने है कि सारे एकदम बेसुध हो गए है, कोई खड़के की आवाज नहीं। डैडी जिस रूम च बैठे है उही रूम च डैडी बैठे है, सुते है जेडे रूम के उन्होंने को ना चोरी होया समान, तो उन्होंने भी नहीं कोई होश है गे नहीं। चाह तो डेली पीती, बच्चों ने भी पीती है जिदा रस वगैरह ले लेंगे बिस्किट, चाह दे विच भी कुछ नहीं है, पर पता ही नहीं बनिया कि कुछ नहीं किया। बच्चे बिल्कुल ठीक है आहो, अपने 5 जिन्ने मैंबर कह रहे थे, बाकी 3 ब्रदर अपने साढ़े वो फै अपने दुकाना पर गए थे शाम ही आए। साढ़े को एक परिवार के 5 मैंबर आए हॉस्पिटल च, तो जिस उन्होंने दस्या कि सानू कुछ ना नशे की हालत में रात कुछ रहे हैं, उस तो बाद सवेरे अज आए हैं तो इस टाइम कॉन्शियस हाँ ठीक ठाक हाँ, तो उन्होंने इलाज चल रहा। ये ब्लड टेस्ट करने तो बाद पता चलेगा कि हो सकता है, इलाज ठीक से नहीं कॉन्शियस हाँ, पर लेकिन कमजोरी महसूस कर रहे हैं। इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, इस बारे एक लेडीज़ है, 4 लेडीज़ है, एक जेंट्स है। सर अं तो दुकान पर गए हैं, तो जो अं सामान घर आए हैं तो देखा भी बच्चे मतलब खेडन खुडन डे उदा, तो इन्हों के लागे जो गए हैं तो कोई कितने लंबे पिया ही कोई कितने लंबे पिया ही, तो अं इन्होंने खा लिया माड़ा जहा उठते ही तो फिर सौ जाते ही बेहोसी हाल से ही जिदा कि जाने के ये चक्कर है। ये 5 जने घर तो नाल बच्चे ही छोटे, तो बच्चे ठीक ठाक ने। ये कल अं शामी आए जो 7 बजे आए घर, देखो हाँ जी साडा सोना भी अं भी देखे हम सवेरे देखा अं चलो देख लें, तो रात अं 1:30 बजे तक होस्पिटल रहे इतने प्राइवेट होस्पिटल ही भैनी मियाँ खां उत्थे खड़िया अं, तो उत्थे फिर रात अं देखा नहीं रात अं इन्हें दुआले रहे हैं, तो सवेरे जो आ के देखा तो साडा सोने वाला बैग ही तो बिच पैसे भी पे ही वह भी नहीं मिल रहा। साढ़े 4 तोले सोना है, 80,000 रुपया है नहीं घर, तो 2 जने आए जे कहते बारों बार चल गए, उदो इन्होंने होर से उदो इन्होंने देखा उदू चल गए, बाद च कहते सू कोई पता नहीं
ਗਿਆਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ। ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ।